प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। उसने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड में तकरीबन 56 मिलियन लोग पूरी तरह लॉकडाउन में वापस आएंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना नाल निजिठण लई नवे स्ट्रेन नूं रोकण लई घट्टो घट्ट फरवरी के अद्ध तक एक नवा राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया गया है। बोरिस ने सोमवार रात को राष्ट्र को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि देश लई एक मुश्किल का समा है। कोरोना के मामले में देश के हर हिस्से में तेजी नाल वध रहे हैं। वर्तमान में यूके स्कूल कॉलेज और यूनीवर्सिटी उपलब्ध होंगे। क्लासा ऑनलाइन चलनगियां। यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी घट्टो घट्ट फरवरी के अद्ध तक कैंपस में वापस नहीं आएंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों में रहना पवेगा और उन्होंने सिर्फ जरूरी काम छोड़ने की इजाजत होगी। सारिया गैर जरूरी दुकाना जिमें कि हेयर ड्रेसरस और निजी देखभाल सेवावान बंद की गई। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे सेवावान देंगे। सोमवार तक इंग्लैंड के हस्पतालों में 26,626 मरीज से यह पिछले हफ्ते नौ 30% ज़्यादा वाधा है। इस मौसम के पहली लहर के उच्चे पद्धर नो 44% वाधा है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरीके कोरोना के केस बढ़ रहे हैं यह स्पष्ट है कि सानू होर मेहनत करने की लड़ है। ब्रिटेन में सानू एक राष्ट्रीय लॉकडाउन में जाना चाहिए क्योंकि कोरोना के नवे स्ट्रेन विरुद्ध यह सख्त कदम काफ़ी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि लोग महत्वपूर्ण कामों लिए अपने घर तो बाहर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पहला ही सख्त पाबंदियों का संकेत दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने सख्त पाबंदियां तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कॉम टीवी।